सो गाइस यार, हम लोग वापस से आ चुके हैं माइनक्राफ्ट के खतरनाक से वर्ल्ड में। और गाइस यार, तुम लोगों को तो पता ही है, जब भी हम लोग किसी नए वाले वर्ल्ड में आते हैं तो गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और गाइस सेम चीज आज भी होने वाली है, आज भी इस वाले वर्ल्ड में गाइस बहुत ज्यादा फन होने वाला है और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि गाइस आज हम लोग खेलने वाले हैं मॉर्फ मोड। हाँ तो गाइस, जिसे हम लोग कह सकते हैं शेप शिफ्ट मोड। तो गाइस फटाफट से आज हम लोग इसी वाले मोड को खेलते हैं। और गाइस यार, वर्ल्ड की स्टार्टिंग में ही हम लोगों को मिल चुका है पीछे की साइड एक बहुत ही तगड़ा विलेज। तो चलो गाइस फटाफट से यार इस वाले विलेज को एक्सप्लोर करके आते हैं, देखते हैं यार इस वाले वर्ल्ड में आखिर क्या क्या मिलता है। ओ भाई साहब, विलेज तो काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है यार। सबसे पहले गाइस हम लोग मॉर्फ मोड की शुरुआत करेंगे या फिर अपने शेप शिफ्ट की शुरुआत करेंगे गाइस छोटे छोटे मॉब से। उससे पहले यार मैं पहले इस विलेज को लूटना चाहता हूँ, देखते हैं गाइस आखिर इस विलेज में है क्या क्या। ओके, तो ये घर तो हमेशा की तरह मुझे खाली लग रहा है। बाकी तो यार विलेज तो सीरियसली मैं काफी ज्यादा बड़ा, और पीछे की साइड एक काफी ज्यादा खूबसूरत वाला माउंटेन भी है। एक यहाँ पर स्नो कलर की यहाँ पर हम लोगों को बिल्ली भी दिख चुकी है। ये वाला घर थोड़ा बड़ा लग रहा है, चेस्ट भी है इसके पास। ओ भाई साहब, एप्पल और एमरेल्ड की तो गाइस बरसात ही हो चुकी है। ओ एप्पल कुछ ज्यादा ही नहीं है इसके पास, ये क्या एप्पल की खेती कर रहा है फिलहाल। तो गाइस जो भी हो, इस वाले विलेज से मुझे मिल चुका है बढ़िया सामान। और यहाँ पर एक चिकन भी है, और यहाँ पर गाइस वही वाली बिल्ली है दोबारा से। काम करता हूँ मैं, पहले थोड़े बहुत टूल्स बनाता हूँ, उसके बाद गाइस मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोग शेप शिफ्ट की पावर से आखिर क्या क्या कर सकते हैं। तो चलो गाइस फटाफट से पहले यहाँ पर मैं टूल्स बना लेता हूँ। आ जा भाई, वुड फटाफट से कलेक्ट हो जा। ओके गाइस, यहाँ पर मेरे पास टोटल पूरे के पूरे 5 वुडन लॉक्स कलेक्ट हो चुके हैं, थोड़े से और कर लेते हैं। वैसे गाइस तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस फटाफट से जाकर यार वीडियो को लाइक कर दो, और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। धीरे धीरे तुम लोगों को समझ में आने वाला है ये शेप शिफ्ट आखिर में होता क्या है, या फिर ये मॉर्फ मोड आखिर में होता क्या है। तो चलो गाइस फटाफट से मैं बनाता हूं यहां पर प्लैंक्स। प्लैंक से बनेंगे अपने क्राफ्टिंग टेबल, साथ में कुछ टूल्स। सो गाइस, माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल मैंने बना लिया है, और वो है गाइस ये वुडन हो। वैसे यार तुम लोग सोच रहे हो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट कैसे, एक्चुअली मैं यार यहाँ पर काफी सारा वीट है तो वो कलेक्ट करने के लिए यार तो अपने को वुडन हो ही काम आने वाला है। फटाफट से एक वुडन एक्स भी बना लेते हैं, और ये क्राफ्टिंग टेबल रख लेते हैं भाई। सारा का सारा हेवेल गाइस यहाँ से मैं कलेक्ट करने वाला हूँ आगे। हाँ तो एक पिकेक्स भी बनवा ही लेते हैं भाई साहब। विलेजर्स की भी गाइस हम लोग आइडेंटिटी ले सकते हैं, और उसके बाद विलेजर्स भी हम लोग बन सकते हैं भाई साहब, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। फटाफट से गाइस यहाँ पर मैं फूड का इंतजाम कर लेता हूँ, क्योंकि आज अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज फूड ही होने वाली है। क्योंकि जब भी हम लोग शेप शिफ्ट करते हैं, या तो हमारे हार्ट्स बढ़ते हैं या फिर घटते हैं। बढ़ते तो कम ही है, घटते ही है ज्यादातर, इसीलिए गाइस हम लोगों को फूड की बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है। और यहाँ पर क्या बात है, एक ब्लैक बिल्ली भी नजर आ चुकी है मुझे, इसको मैं टेम करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर एक गोलम भी है, बहुत ही बढ़िया यार। जैसा वर्ल्ड गाइस मैंने सोचा था वैसा ही वर्ल्ड मेरे को फिलहाल तो मिला हुआ है। यहाँ पर एक काफी ज्यादा पहाड़ है पीछे की साइड, वहां पर मेरे को नहीं जाना है। यहाँ पर मैं फटाफट से हे बेल्स कलेक्ट करता हूँ। ओहो मुर्गी भी है यहाँ पर, तो एक फटाफट से गाइस ये हे बेल कलेक्ट करता हूँ। ओ भाई क्या बड़ा सा पहाड़ है ये। सो इधर की तो हेवेल गाइस मैंने कलेक्ट कर लिया, मुझे नहीं लगता और कहीं। अच्छा उस वाले पहाड़ के ऊपर, अरे भाई साहब सीरियसली मैं यार, ये घर तो मतलब ये वाला विलेज तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। फिलहाल तो यहाँ पर एक घर भी है, इसके अंदर चेस्ट वेस्ट मिलेगी क्या, मुझे लगा ऐसा रहा है कि मिल जाएगी। हाँ चेस्ट है गाइस इसके अंदर, और ब्रेड भी है, पोटैटो भी काफी अच्छा खासा, एप्पल कुछ ज्यादा ही है यार इन गाँव वालों के पास, और ब्रेड भी मिल गया, बहुत ही बढ़िया यार। यहाँ से गाइस एक काम करता हूँ, मैं बेड ले लेता हूँ ये वाला, और अभी फटाफट से हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। गोलम भैया हेलो, और कहीं हे बेल है भाई तुम्हारे पास। गाइस यार यहाँ पर पीछे की साइड मेरे को लावा भी नजर आ चुका है, अगर लावा की जरूरत होगी तो उसका भी इंतजाम हो जाएगा। ओ भाई इधर के कैसे छोड़ दिया मैंने आइटम, इतना सारा इधर भी है। ओके वैसे गाइस मेरे पास फूड काफी अच्छा खासा कलेक्ट हो चुका है, तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि गाइस मेरे को भी फटाफट से स्टोन के टूल्स बना लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रात हो रही है और रात को गाइस हम लोगों को सोना पड़ेगा, क्योंकि भाई ज़ॉम्बीज़ का हमला इधर से कभी भी हो सकता है। तो गाइस फटाफट से स्टोन में कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ओके सो गाइस फटाफट से यहाँ पर मैंने स्टोन की पिकेक्स बना लिया, अब जो स्टोन टूल्स है वो काफी ज्यादा इजिली बन जाएंगे मेरे पास। चलो चलो भाई साहब फटाफट स्टोन कलेक्ट करने दो। गाइस यहाँ पर रात भी हो चुकी है, अभी मेरे को आई थिंक सो जाना चाहिए। वैसे अभी रात कहाँ हुई है यार, शाम हुई है। सो गाइस यहाँ पर रात हो चुकी है, फटाफट से अभी जाकर सो जाते हैं, इस वाले विलेज में ही सो जाता हूँ। हेलो सर, अबे विलेजर सो गया है, उठ भाई उठ, मेरे को सोने दे। गुस्सा क्यों हो रहा है, सो ही तो रहा हूँ सिर्फ, अब सो ले भाई तू, सुबह हो गई है। गाइस फटाफट से चलते हैं भाई साहब, हेल्थ कितनी ज्यादा कम हो रखी है मेरी इस वक्त।
एप्पल खाना पड़ेगा लगता है। एप्पल खा के ज्यादा हेल्थ नहीं बढ़ रही। वहां पर मेरे को एक स्केलेटन नजर आ रहा है जो कि बेचारा जले जा रहा है। अभी गाइस जो इस विलेज में लास्ट हेबल्स बची है वो ऊपर की साइड है, तो मैं ऊपर की साइड जलता हूँ और उसके बाद गाइस यार हम लोग स्टार्ट करेंगे शेपशिफ्ट होना, जिसमें गाइस काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इस वाले विलेज में मेरे को अभी तक ब्लैक स्मिथ नहीं मिला और मुझे नहीं लगता कि मिलने वाला है। इधर एक घर तो है लेकिन ये भी फालतू के आदमी का घर है। सो गाइस अभी जो लास्ट बचे हैं इस विलेज में मैं उनका भी घर चेक कर लेता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग शेपशिफ्ट होना स्टार्ट करेंगे। इधर ही है शायद उसका घर, हाँ हाँ इधर की साइड ही है। ओ भाई साहब कितना बड़ा घर बना रखा है गाइस इसने यार। वो तेरी क्या क्या है इसके घर में, बहुत सारी चीजें छुपा, कुछ भी नहीं है भाई घर में, बेफालतू में इतना घर बना रखा है इसने। सो गाइस यार यहाँ पर मेरे पास जितना भी वीट था उसको मैंने ब्रेड में कन्वर्ट कर लिया और तुम लोग देख सकते हो यार काफी सारा ब्रेड आ चुका है। अभी मैं गाइस ये जो पोटैटो वगैरह है इनको भी पकने के लिए लगा देता हूँ फर्नेसेस में। सो गाइस अब हम लोग शेप शिफ्ट होना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं बनने वाला हूँ एक बिल्ली, तो नहीं बनना मेरे को सबसे पहले गाइस, मेरे को बनना है एक मुर्गी। एक भाई साहब मेरे को दिखनी चाहिए चिकन, कहाँ पर है चिकन, चिकन हेलो चिकन। वैसे काफी सारी मुर्गियां मेरे को इधर की साइड दिखी थी, ऐसे काफी सारी तो नहीं, हाँ एक मुर्गी दिखी थी गाइस, उसी वाली मुर्गी को मैं टपकाने वाला हूँ और गाइस यार उसकी हेल्प से मैं उसकी आइडेंटिटी अनलॉक करूंगा और उसके बाद गाइस मैं बन जाऊंगा एकदम मस्त वाला चिकन। सबसे पहले तो गाइस इसे मारते हैं फटाफट। ओके सो गाइस अनलॉक चिकन आइडेंटिटी लिखा आ चुका है, इसका मतलब गाइस अब हम लोग बन सकते हैं एक मुर्गी। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा यार, मैं तुम लोगों को अभी दिखाता हूँ। देखो गाइस हम लोगों के पास चिकन की आइडेंटिटी आ चुकी है और यहाँ पर मैं जैसे ही बैक करता हूँ इसका मतलब गाइस मैं बन चुका हूँ मुर्गी। ये देखो भाई साहब यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से गाइस मैं मुर्गी बन चुका हूँ। और यही नहीं यार मैं मुर्गी बन के सिर्फ दौड़ नहीं सकता, मैं मुर्गी बन के गाइस सीरियसली मैं किसी को मार भी सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर गाइस मुझे एक पिग्गी दिख रहा है और एक काऊ दिख रही है, गाइस फटाफट से इस पिग्गी को मारते हैं। चल भाई पिग्गी निकल यहाँ से, गाइस यार इसको भी मार दे। और मेरे पास आ चुकी है एक पिग की आइडेंटिटी और अगर मैं इस काऊ को मार डालता हूँ तो गाइस मेरे पास एक काऊ की भी आइडेंटिटी आ जाएगी। काऊ भी खत्म भाई साहब, एक मुर्गी ने गाइस एक काऊ को टपका डाला भाई, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है। ओ भाई साहब ओ तेरी ये वाली काऊ कितनी ज्यादा फास्ट है, बट गाइस मेरे सामने फास्ट कोई नहीं है, इस चिकन के सामने फास्ट कोई भी नहीं है। तेरी ऐसी की तैसी, रुक जा भाई, भागती कहां है तू। ओके सो गाइस वैसे यार तुम लोग सोचोगे कि इस वाले मॉफ मोड का फायदा क्या है। देखो गाइस अगर हम लोग किसी ऊंचाई वाली जगह से जंप लगाते तो हम लोग सिंपली बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला डैमेज आता है, बट गाइस अगर हम लोग चिकन बन के जंप लगाएंगे देखना गाइस क्या होगा। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या ही स्लोली स्लोली मैं गिरा हूं और जरा सा भी डैमेज नहीं आया। अब गाइस मैं बनने वाला हूं एक मस्त वाला पिगी और देखते हैं गाइस पिगी बन के मैं कैसा लगता हूं। ओ भाई साहब और पिगी गाइस काफी ज्यादा फास्ट होता है, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा तेज भी दौड़ पा रहा हूं। ओ भाई साहब क्या ही मजा आ रहा है यार। ओके गाइस अभी जाता हूं मैं इस वाले पिगी के पास। हेलो सर मैं आपके जैसा ही हूं लेकिन मैं आपकी तरह शांत बिल्कुल भी नहीं हूं क्योंकि मैं एक ही मुक्के में आपको टपका सकता हूं। ओ भाई साहब पिगी और पिगी की गाइस तुम लोग लड़ाई देख पा रहे हो, एक पिगी ने गाइस दूसरे पिगी को बस ऑलमोस्ट मार डाला भाई साहब, खत्म पिगी का खेल। गाइस यार सच में भाई अलग सी फीलिंग आ रही है। अब गाइस दूसरा हम लोग जानवर बनते हैं और वो है अपने पास काऊ। अरे काऊ के पास भी पांच ही हेल्थ होती है, तो गाइस यहाँ पर हम लोग काऊ बन चुके हैं, काफी ज्यादा मस्त वाली काऊ बन चुके हैं। फटाफट से गाइस आगे की साइड चलते हैं, हमारे पास हेल्थ कम ज्यादा होते रहते हैं काऊ बनने की वजह से। ऐसे गाइस यहाँ पर मैंने अपना पोटैटो रखा था गाइस, वो पोटैटो भी मेरे पूरी की पूरी तरह पक चुके हैं। और ये देखो गाइस काऊ कैसी चलती है। अभी फटाफट से मैं एक और आइडेंटिटी अनलॉक करने वाला हूँ और वो आइडेंटिटी है गाइस हॉर्सेस की। कौन सा वाला हॉर्सेस, ये वाला ज्यादा बढ़िया लग रहा है गाइस, इसको टपका डालते तेरी ऐसी की तैसी, चल बेटा निकल। ओके सो गाइस यहाँ पर मेरे पास हॉर्स की भी आइडेंटिटी आ चुकी है और जरा मैं घोड़ा बन के तो देखूं। ओ भाई साहब सफेद वाला घोड़ा, ओ भाई कितने ज्यादा हार्ट से गाइस इस घोड़े के पास। और ये घोड़ा दौड़ता कैसे, अच्छा बस इतना ही तेज दौड़ता है क्या। ओ भाई क्या ही मस्त आवाज आ रही है गाइस, तुम लोग देख पा रहे हो यार घोड़े की आइडेंटिटी के साथ तो भाई अलग ही फीलिंग आ रही है भाई, कितने हार्ट्स लेके घूमता है अकेला एक घोड़ा। ओके सो गाइस एक काम करता हूं मैं अपनी पूरी हेल्थ फुल कर लेता हूं, उसके बाद गाइस मैं आइडेंटिटी अनलॉक करूंगा। तुम लोग सोच भी नहीं सकते किसकी, भाई साहब सोचो तो सही, मैं गाइस आइडेंटिटी अनलॉक करूंगा जो मेरे को सामने की तरफ नजर आ रहा है यार, एक मस्त वाला आयरन गोलम। लेकिन हॉर्स बन करने एक्चुअली में तुम लोगों ने देखा होगा जो आयरन गोलम होता है वो होता है विलेजर्स की रक्षा करने के लिए। तो गाइस मैं सबसे पहले आइडेंटिटी अनलॉक करूंगा विलेजर्स की और उसके बाद गाइस एक विलेजर आयरन गोलम को मारेगा, भाई साहब क्या ही अलग चीज हो जाएगी। एक काम करते हैं फटाफट से विलेजर को एक टपका देते हैं, कोई कोपचे में होगा तो टपका डालेंगे वरना तो भाई साहब
वहां पर आयरन गोलम पहुंच जाएगा। इसके सामने तो मुझे नहीं लगता मैं किसी विलेजर को मार पाऊंगा। कोई सा है क्या इधर उधर कोपचे में? ओके कोई सा इधर आ जाओ। हेलो सर। ओ हरे टी शर्ट वाले भाई इधर आ जाए यार। तुम लोग क्या घंटी के पास खड़े रहते हो? गाइज रुक जाओ यार, घंटी बजाता हूँ, अभी सारे भागेंगे। ओके भाग गए। एक विलेजर उधर भाग रहा है। गाइज एक काम करता हूँ, इसी विलेजर को टपकाता हूँ मैं। पहले भाई साहब अपने 20 हार्ट्स फुल कर लेता हूँ मैं। सो गाइज ऑलमोस्ट मेरे 20 हार्ट्स ऑलमोस्ट तो नहीं फिलहाल, हाँ लगभग हो ही चुके हैं पूरे। और आयरन गोलम इधर नहीं है, एक विलेजर को टपकाता हूँ। ये रहा भाग रहा है। ये कौन सा वाला विलेजर है? अरे भाई साहब घोड़ा तो इधर से निकल भी नहीं पा रहा गाइज। अरे घोड़ा इतनी सी जगह में जंप नहीं कर पा रहा मैं। अच्छा घोड़ा ऊपर नहीं चढ़ सकता क्यों भाई? ओके सो कोई बात नहीं है गाइज। अरे मैं दरवाजे के अंदर भी नहीं घुस पा रहा यार भाई साहब, ये तो बड़ा नुकसान है घोड़े का। फिलहाल तो गाइज इस वाले बंदे को टपका डालता हूँ मैं। आसपास तो नहीं आयरन गोलम। चल बेटा निकल। गाइज यार यहाँ पर विलेजर की भी आइडेंटिटी अनलॉक हो चुकी है, और जो आयरन गोलम है गाइज उसने भी मुझे नहीं देखा है। बहुत ही ज्यादा बढ़िया, अभी मजा आ गया ना भाई। अब आयरन गोलम के पास भी गाइज पूरे के पूरे 20 हार्ट्स होते हैं, लेकिन उसका डैमेज बहुत ही तगड़ा होता है भाई साहब। आयरन गोलम से हम लोग डायरेक्ट पंगा नहीं ले सकते, बट गाइस फिर भी मैं पंगा लेने वाला हूँ, लेकिन अभी नहीं गाइस, कल सुबह को, क्योंकि गाइस अभी हो चुकी है रात। और फटाफट से मैं अपना सामान कलेक्ट करता हूँ और सोने जाता हूँ। देखते हैं गाइस आखिर घोड़ा जब बेड पर सोता है तो कैसा लगता है। ओ भाई साहब बहुत ही ज्यादा एपिक चीज होने वाली है गाइस, तुम लोग देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। अभी यहाँ पर मेरे ऑलमोस्ट पूरे के पूरे 20 हार्ट्स फुल हो चुके हैं। अभी गाइस मैं घोड़ा बन के सोने जा रहा हूँ। ओ तेरी, और घोड़ा गाइस जब बेड पे सोएगा तो देखते हैं गाइस क्या ही मस्त चीज होती है। हेलो सर एंट्रेंस आने दो। अरे इसके पास तो बेड ही नहीं है, मैं इसके पास आके क्या करूंगा? अरे किसी का बड़ा सा घर है भाई, अरे सोना है भाई मुझे। एक सेकंड इधर है गाइस, शायद किसी का बड़ा सा तो घर। हेलो सर सोने दो मुझे। ओके सो गाइस इसके घर में सो जाऊं क्या? हाँ गाइस इसका घर बढ़िया है। हेलो सर इसका तोड़ना पड़ेगा गाइस घर के अंदर घुसने के लिए, ये तीन तीन ब्लॉक्स की जगह बनानी पड़ती है। हेलो सर उठिए। और गाइस अरे यार मैं थर्ड पर्सन व्यू में नहीं देख पाया आखिर ये घोड़ा सोता कैसे है। लेकिन गाइस यहाँ पर मेरी हेल्थ जा रही है। अच्छा बेड के ऊपर चढ़ गया था मैं, लेकिन गाइस यार इसका घर मैंने पूरा बर्बाद कर दिया खुद के सोने के लिए। अब तू हट दरवाजा खोल भाई, मेरे को बाहर जान दे। ओके सो गाइस अभी मैं बनने वाला हूँ एक विलेजर, और विलेजर बन के गाइस मैं मारूंगा आयरन कॉलम को। ये रही मेरी विलेजर की आइडेंटिटी, और विलेजर के पास भी ऑलमोस्ट 10 हार्ट्स होते हैं। और ये देखो यार कैसा लग रहा हूं मैं विलेजर बन के। यार ये विलेजर कितना बेवकूफ सा लगता है, लेकिन गाइस यार इसके हाथ में जब एक्स आ जाती है तो ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल लगने लग जाता है। अभी गाइस मैं पूरा का पूरा एक विलेजर हूँ, आयरन गोलम को विलेजर ही लगता हूँ मैं शायद। अगर मैं इसको मारूं तो ये मेरे पीछे नहीं पड़ना चाहिए, मार के देखता हूँ गाइस। ओ भाई पीछे आ रहा है, तू पागल हो गया क्या? तू विलेजर के पीछे आ रहा भाई? अरे तू मेरे पीछे नहीं आ रहा, तू भाई विलेजर के पीछे आ रहा है। आयरन गोलम के बच्चे धोखा देता है तू विलेजर्स को, ये तो गलत बात है यार तेरी। ओके सो गाइस कोई नहीं भाई साहब, इसको कुर्बानी देनी पड़ेगी। और गाइस उससे भी मस्त चीज भाई साहब, एक विलेजर इसको मार रहा है जिसकी इसने बचपन से रक्षा की है गाइस, वही इसको टपका डालेगा, कभी सोचा भी नहीं होगा इसने। लेकिन गाइस इसके साथ ये वाला बहुत ही तगड़ा वाला हम लोग स्कैम करने वाले हैं। चल बेटा निकल जा। यहाँ पर गाइस ये निकल चुका है, और ये देखकर गया हम लोगों को 3 आयरन, जिससे हम लोग इजीली एक एक्स बना सकते हैं। एक एक्स बनवा लेते हैं गाइस बढ़िया वाली। और अब मैं जाने वाला हूँ आयरन गोलम की आइडेंटिटी पे, जो की होता है काफी ज्यादा तगड़ा वाला। तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ यार आयरन गोलम आखिर देखने में कैसा लग रहा हूँ। ओ भाई साहब कितना ज्यादा गाइस बड़ा है ये आयरन गोलम, और भाई क्या ही फास्ट है यार। एक सेकंड, क्या ये घोड़े से फास्ट है कि कम है? पता नहीं गाइस कितना ज्यादा फास्ट है, बट गाइस इसके जो हाथ हिल रहे हैं यार वो चीज देखो कितनी ज्यादा अमेजिंग लग रही है। ओ भाई क्या ही चालू है इधर की साइड गाइस, तुम लोग देख सकते हो यार काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से मैं यहाँ पर दौड़ रहा हूँ। और आयरन गोलम को शायद ऊंचाई से कूदने पर डैमेज नहीं आता, फॉल डैमेज नहीं आता जहां तक मेरे को लगता है आयरन गोलम को। तो एक काम करते हैं गाइस, उस वाले सामने वाले पेड़ पे जाते हैं और वहां से फॉल डैमेज लेकर देखते हैं फॉल डैमेज आता है कि नहीं आयरन गोलम को आखिर में। यहाँ गाइस पहली बार वर्ल्ड में हो रहा है माइनक्राफ्ट के कि कोई आयरन गोलम यार पेड़ चढ़ रहा है, भाई साहब कितनी ज्यादा अमेजिंग बात है ये। तो चलो गाइस यहाँ से मैं फॉल डैमेज लेकर देखता हूँ, और ये नहीं आया भाई, जरा सा भी फॉल डैमेज नहीं आया गाइस, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज थी। एक काम करता हूँ पूरा ऊंचा जाता हूँ मैं। छोड़ो ना यार आयरन गोलम गाइस काफी ज्यादा पावरफुल है, देखते हैं ये मारता भी उसी स्टाइल से है कि अलग स्टाइल से। एक सेकंड मार, नहीं उसी स्टाइल से नहीं मारता यार, थोड़ा अलग स्टाइल है, बट गाइस काफी ज्यादा मोस्ट स्टाइल है यार भाई साहब। यार ये
मेरे को काफी बढ़िया लगा आयरन गोलम। वैसे अगर देखा जाए तो हॉर्स भी काफी ज्यादा बढ़िया है, देखते हैं स्पीड किसकी ज्यादा फास्ट है। ओके तो ये हॉर्स यहाँ से चल दिया है गाइस, और ये हॉर्स देखो यार तुम लोग कुछ ऐसी स्पीड है, और जो अपने आयरन गोलम है उसकी गाइस कुछ ऐसी स्पीड है। ओ भाई डेफिनेटली यार आयरन गोलम मुझे फास्ट लग रहा है। ओ भाई क्या ही अलग फीलिंग आ रही है, एक सेकंड ये ब्रेड खाता है तो कैसा लगेगा। ये देखो गाइस आयरन गोलम एक ब्रेड खा रहा है। वैसे गाइस यार मैं सोच रहा था अगर हम लोगों ने बैट की आइडेंटिटी अनलॉक कर दी तो क्या हम लोग उड़ भी पाएंगे। हाँ होना तो चाहिए। वैसे यार मुझे लग रहा है शायद वो जो गुफा है, मतलब ये जो बड़ी सी पहाड़ के नीचे वाली जगह है, आई थिंक यहाँ पर मेरे को बैट्स मिलने की संभावना है। तो देखते हैं गाइस मिलते हैं कि नहीं। मिल जाएंगे तो भाई मजा ही आ जाएगा, हम तो उड़ भी पाएंगे यार इस वाले वर्ल्ड में, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग चीज हो जाएगी। फिलहाल तो यार ये आयरन गोलम को लेकर दौड़ना बहुत ही मुश्किल है यार, एक ब्लॉक पे तो ये चल ही नहीं पाता, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है गाइस इसके लिए एक ब्लॉक पे चलना। फिलहाल तो यहाँ पर कोई बैट नजर नहीं आ रहा मेरे को। वैसे बैट की हेल्थ कितनी होती है ये पता नहीं, हाँ शायद दो हार्ट होती है। अरे नजर आ जाए भाई एक बैट तो, नहीं नजर आ रहा यार, छोड़ो। फिलहाल तो गाइस तुम लोगों को अगर आज की ये वाली वीडियो बढ़िया लगी है तो गाइस फटाफट से जाकर यार वीडियो को लाइक मारो, और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार फटाफट से। गाइस अभी जाकर वीडियो को लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर देना। फिलहाल तो गाइस यार मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में इसी शेप शिफ्ट के अगले एपिसोड के साथ। देखते हैं गाइस हम लोग अभी मॉब्स बनना बाकी है, मतलब यार हॉस्टाइल मॉब्स अभी भी बाकी है, तो गाइस वो वाले मॉब्स भी हम लोग बनेंगे और देखते हैं गाइस तब क्या होता है। ओ भाई साहब तब तो गाइस अलग ही मजा आएगा, ज़ॉम्बीज बन पाएंगे, स्केलेटन बन पाएंगे, और अगर ब्लेज रॉड बन गए तो उससे भी ज्यादा मजा आ जाएगा। और गाइस यार अगर हम लोग बन गए एंडर ड्रैगन तो उससे भी ज्यादा मजा आने के फुल्ली चांसेस है गाइस, एंडर ड्रैगन बन के क्या ही मजा आएगा। फिलहाल तो गाइस यार ये सब देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। अगर तुम लोगों को आज की वाली वीडियो बढ़िया लगे तो फटाफट से गाइस वीडियो को जाकर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस गुड बाय।